इटाला में सर्व समाज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने नई आबकारी नीति पर केजरीवाल सरकार को घेरा, साथ ही कहा कि नई आबकारी नीति के खिलाफ जनमत संग्रह किया गया। 11 लाख से ज्यादा लोगों ने नई आबकारी नीति को वापस लेने की राय दी है। दो दिन पहले हमने पूरी दिल्ली के अंदर 1100 से अधिक स्थानों पर, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने शराब की नई नीति लाए है, उसके खिलाफ एक जनमत संग्रह इकट्ठा किया है और उस जनमत संग्रह के अंदर दिल्ली के 11 लाख से ज्यादा लोगों ने जिन्होंने उसमें अपना मत दिया है, वो सबका सबका यही मत है कि ये केजरीवाल सरकार की जो शराब नीति है इसको वापस लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिल्ली की जनता कह रही कि केजरीवाल साहब को हमने साफ पानी के लिए चुना था, हर घर में नल से पानी पहुंचे इसके लिए चुना था, हर घर के पास शराब के ठेके खुले इसके लिए नहीं चुना था। इसलिए दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शराब माफियाओं के साथ जो मिलकर भ्रष्टाचार किया है, हजारों करोड़ रुपए शराब माफियाओं से लेकर चुनाव प्रचार पंजाब और गोवा में करने का जो उन्होंने षड्यंत्र रचा है दिल्ली की जनता को बर्बाद करने का, अभी कुछ दिन पहले ठेकों पर लंबी लंबी लाइन लगी थी, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही थी, तो जो घरों में हमारे फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हो या वर्कर हो या दिल्ली के जो नागरिक, वो शराब की दुकानों पर लाइन में लगे थे, कोई काम नहीं कर रहे थे, काम भी ठप था, रोजगार भी ठप था, उनका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा था, और इन सब की जिम्मेदार अगर कोई है तो कोई और नहीं, वो अरविंद केजरीवाल। मैं अरविंद केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए कि दिल्ली की जनता ने उनको चुना था अच्छे पानी के लिए, सीवर व्यवस्था के लिए, डीटीसी बसों में बढ़ोतरी करने के लिए, यमुना सफाई के लिए चुना गया था उनको दिल्ली के अंदर, सड़कों की व्यवस्था सही करने के लिए। यहाँ के जो निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं, विधायक भी आम आदमी पार्टी के हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रिठाला जिस वार्ड में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ से जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, वो क्या नजर आते हैं, काम किया उन्होंने? तो आज आपके पास, आप सब जितने भी यहाँ आए हुए हैं, उनके पास एक अवसर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नारे को कामयाब बनाना है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।